आज की जो प्रेस वार्ता है आप सब लोग देख भी रहे होंगे, झारखंड दिव्य महाकुंभ के नाम से एक बृहत अनुष्ठान गत वर्ष आने वाले वर्ष में 13 फरवरी से 19 फरवरी ऐसा संकल्प लेकर के किया जा रहा है। नाम हम लोगों ने रखा है झारखंड दिव्य महाकुंभ, मतलब झारखंड के 2400 जिलों को संगठित करके उसकी मूल संस्कृति जो झारखंड की संस्कृति रही, भगवान बिरसा मुंडा जिसके लिए लड़ते रहे, उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, ऐसा संकल्प लेकर के यह झारखंड दिव्य महाकुंभ का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। इसमें 3-4 प्रकार के खंड हैं। जैसे पहला खंड हम लोगों ने रखा है 108 कुंड का दिव्य महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ। इसके बाद दूसरा चरण हम लोगों ने रखा है झारखंड के शूल कास्ट के बेटियों का सामूहिक विवाह, खास करके उसमें आदिवासी पिछड़े वर्ग के जो लोग होंगे उनका सामूहिक विवाह हम लोग इस अनुष्ठान में कराएंगे। 1008 लोगों का संकल्प लिया गया है। और तीसरा विशेष कार्यक्रम भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सनातन जगत के लोगों को एक ही मंच पर इकट्ठा करके सनातन जगत का आगाज करना, सभी संतों को बुलाना, 13 अन्य अखाड़ों के सभी संत, जगतगुरु, चारों पीठों के शंकराचार्य एक ही मंच पर आकर के धर्म ध्वजा को पुनः लहराएं, और इस संकल्प के साथ ये झारखंड दिव्य महाकुंभ का अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म को राजनीति बनाने वाले वही लोग हैं जो किसी अखाड़े या किसी विशेष संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं, जो स्वयंभू हैं वो अपने आप को राजनीति से जोड़ करके चलते हैं। इस कार्यक्रम का कोई राजनीतिकरण नहीं है और इस कार्यक्रम का कोई राजनीतिकरण किया भी नहीं जाएगा। लक्ष्य केवल एक ही है, झारखंड की संस्कृति का पुनरुत्थान, झारखंड की संस्कृति को भारतवर्ष के जनमानस तक पहुँचाना। और इसके लिए निसंदेह तौर पर हम लोग भी सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि राजनीति के लोगों से, राजनेताओं से हम लोग नहीं मिलेंगे, सभी राजनेताओं से मिलना भी होगा। और जो जो झारखंड कोई राजनीतिकरण किया भी नहीं जाएगा, लक्ष्य केवल एक ही है, झारखंड की संस्कृति का पुनरुत्थान, झारखंड की संस्कृति को भारतवर्ष के जनमानस तक पहुँचाना। और इसके लिए निसंदेह तौर पर हम लोग भी सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि राजनीति के लोगों से, राजनेताओं से हम लोग नहीं मिलेंगे, सभी राजनेताओं से मिलना भी होगा। और जो जो झारखंड के इस दिव्य महाकुंभ, झारखंड के पुनरुत्थान, झारखंड की संस्कृति को भारत और विश्व पटल पर ले जाने में हमारा सहयोग करेंगे, वो लोग हमारे इस मंच पे दिखाई भी देंगे, जिन भी पार्टी के लोग हों। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण किसी प्रकार का किया जाएगा। अनुमानित खर्च तो चूंकि लोग रोज 15,000 से 20,000 लोगों का आवागमन होगा, 15,000-20,000 लोगों का भोजन आदि की व्यवस्था, आए हुए सभी अतिथियों का आवास व्यवस्था, लगभग 1,000 के अधिक वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस कारण से खर्च तो लंबा है। और खर्च के लिए अभी हम लोग प्रथम चरण में हम लोग 5 जिलों में 5,000 कार्यकर्ताओं को गठित करके पूरे झारखंड में दान संग्रह कार्यक्रम चलाएंगे। 1,008 नहीं, देखिए जाति तो लगभग जो भी आएंगे सबका ही विवाह होगा। विशेष रूप से चूंकि झारखंड की पहचान आदिवासी से है, वनवासियों से है, इसलिए प्रथम चरण हम लोग उनको लेंगे। और चूंकि 1,008 की संख्या है इसलिए सभी वर्ग के लोग इस सामूहिक विवाह में लाभ ले पाएंगे। हम लोग प्रयास भी करेंगे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि जो भी हैं उनको वह भी प्राप्त हो, हमारे संगठन द्वारा जो उन्हें देने की व्यवस्था रहेगी वो सामान भी उन्हें प्राप्त हो। और ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वर्ग के लोग या एक ही जाति के लोग इसमें रहेंगे, जो भी आएंगे सबका स्वागत है। विशेष रूप से चूँकि आज समझने की बात है, जो ऊँची जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं संपन्न होने के कारण बहुत इन तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, तो जो हमारे पास आएंगे हम सबका स्वागत करेंगे। विशेष रूप से आदिवासी, वनवासी, पिछड़े क्षेत्र के लोग
जो आज बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, बेटियों का उत्थान हो, बेटियों को बोझ ना समझे, ऐसा सोच करके कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहेगा कि हम लोग झारखंड के जितने भी मंदिर हैं, पुरातन मंदिर या जितने भी बड़े मंदिर हैं, उनके सभी मुंडा पा रहेंगे, जो भी आएंगे सबका स्वागत है। विशेष रूप से चूँकि आज समझने की बात है, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं संपन्न होने के कारण बहुत इन तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, तो जो हमारे पास आएंगे हम सबका स्वागत करेंगे। विशेष रूप से आदिवासी, वनवासी, पिछड़े क्षेत्र के लोग जो आज बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, बेटियों का उत्थान हो, बेटियों को बोझ ना समझे, ऐसा सोच करके कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण रहेगा कि हम लोग झारखंड के जितने भी मंदिर हैं, पुरातन मंदिर या जितने भी बड़े मंदिर हैं, उनके सभी मुंडा पाहन जो भी पुजारी हैं उन सबों को आमंत्रण रहेगा और सभी लोग आ रहे हैं कार्यक्रम में। ऐसा मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने ऐसा भी निर्णय नहीं लिया है कार्यक्रम में, क्योंकि किसी को मुख्य अतिथि बनाने का मतलब उस कार्यक्रम का लोग समझ लेते हैं कि राजनीतिकरण हो गया है। हमारे तरफ से यही है, जिसका जैसा सहयोग होगा, जो जिस प्रकार से खड़ा रहेगा वो हमारे लिए रहेगा। और अतिथि तो कहा जाए, अतिथि हमारे लिए भगवान बिरसा मुंडा हैं, बाकी सब सहयोगी होंगे इस कार्यक्रम में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।